तो आज हम आपको दिखाने वाले हैं 400 गज का विला, जो कि डायमेंशन उसकी रहेगी 40x90 की डायमेंशन रहेगी। साइज बता चुकी हूँ, 400 गज का है। सेक्टर 88 गमाडा के सेक्टर में लेकर आए हैं आपको। बहुत ही प्राइम लोकेशन है, डेवलपमेंट बहुत ज्यादा जोरों शोरों से आसपास में चल रही है। उन्हीं में से एक घर ये है जो देखने वाले हैं। ये बेसिकली 7+1 BHK है, दैट मींस 7 हमारे अपने बेडरूम्स रहेंगे, 1 BHK टॉप पे बनाया गया है फॉर योर हाउस हेल्थ। तो आज हम ये विला देखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं एलिवेशन से। तो एलिवेशन आप देख चुके हैं मेरे बैग पे, काफ़ी डिफरेंट एलिवेशन है, काफ़ी अच्छा लग रहा है, कलर कॉम्बिनेशन भी बढ़िया लग रहा है, बहुत ही सही लग रहा है देखने में। बात की जाए एंट्रेंस की, तो हमारी मेन एंट्रेंस ये आ जाती है, घर की एंट्री भी दिखाऊंगी। डुप्लेक्स विला मैंने बोला है आपको, तो डुप्लेक्स विला के साथ ही साथ में सर्वेंट आपके आ जाएंगे। उनकी जो स्टेयर्स है वो डिफरेंट है डुप्लेक्स से, तो आप सोच रहे होंगे स्टेयर्स कहाँ से है, वो भी मैं दिखाऊंगी आपको। तो दोस्तों यहाँ पे आपको जो एंट्री है, एंट्री की बात करें अगर, तो आपको अंदर से भी मिल जाती है, बाहर से भी मिल जाती है। घर में थोड़ा बहुत काम अभी चल रहा है, थोड़ा बहुत काम पेंडिंग है, रेस्ट तो काम सब कुछ डन है यहाँ पर, तभी हम आपको दिखा रहे हैं ये घर। चलिए शुरुआत करते हैं पार्किंग एरिया से। बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो चुकी है फर्स्ट ऑफ ऑल चंडीगढ़ में, तो बाई गॉड हर जगह ही हो चुकी है वैसे। यहाँ पे देखिए पार्किंग, बहुत ही ह्यूज स्पेस हमें देखने को मिल रहा है हमारे बर्म एरिया का, काफ़ी अच्छा स्पेस है। मेरी लगभग मैं अगर देखूँ तो 3 गाड़ियाँ माइट भी आराम से लग जाएंगी, इतना स्पेस हमें यहाँ पे मिल रहा है। अब उसके बाद बात करें अगर हमारे घर के अंदर के पार्किंग की, तो घर के अंदर भी पार्किंग हमारी हो जाएगी 1-2 गाड़ियाँ आराम से, लगभग 2 गाड़ियाँ तो मैं कहूँगी आराम से अंदर लग जाएंगी, इतना स्पेस मिल रहा है। इस तरफ को ग्रीन एरिया आ गया जो कि अभी मेंटेन किया जाएगा। अगर हम इसको मेंटेन करेंगे तो क्या खूबसूरत लगेगा, आप जस्ट खुद सोच लीजिए, बहुत ही बढ़िया लुक आएगा। यहाँ पे आपका ग्रीन एरिया हो गया, इधर आपकी गाड़ियों की पार्किंग आ गई। इस तरफ को अगर आप देखिए, अगर प्लांट्स वगैरह मतलब गमले वगैरह रख लेंगे तो क्या लुक होने वाला है घर का, कमाल। एलिवेशन भी बहुत ही बढ़िया है, 2 स्टेप्स में हमारे, ये देखिए ये हमारे 2 स्टेप्स आते हैं घर की एंट्री के लिए सबसे पहले। तो ये हमारे 2 स्टेप्स आ गए, 2 स्टेप्स में हमारी आती है एंट्री। तो बेसिकली एक तो ये एंट्री आ गई, देखिए ये आपका डोर रहेगा। आप अब थोड़ा सा अंदर आइए, मैं दिखाऊँ आपको, समझाती हूँ कैसे। ये जो स्टेयर्स हैं ये बिल्कुल बाहर से हैं, बिल्कुल सेपरेट हैं। इसमें क्या है कि ना आपकी प्राइवेसी ख़राब होगी, जो ग्राउंड पे रहेंगे, जो फर्स्ट पे रहेंगे या फिर टॉप फ्लोर पे रहेंगे, उनकी भी प्राइवेसी ख़राब नहीं होगी। तो ये उस तरीके से डिज़ाइन किया गया है, ये बाहर से स्टेयर्स होगी। तो देखिए यहाँ से पहले दिखाती हूँ मैं आपको, आप ये देख रहे होंगे क्या कमाल का वुडन वर्क है, कितना सुंदर वुडन वर्क देखने को मिल रहा है। नहीं, वुडन वर्क नहीं है, वुडन वर्क के साथ में ही आप देखिए स्टेयर्स के नीचे ना स्पेस को कर दिया गया यूटिलाइज, खाली नहीं छोड़ा गया है, बनने को यहाँ स्टोर रूम भी बन सकता था, बट यहाँ पे बना दिया गया है एक पाउडर रूम, जो कि ऑब्वियसली हर घर में ज़रूरी ही है। आप नहीं चाहेंगे आपका प्राइवेट जो वॉशरूम है यूज़ किया जाए। अब देखिए एंट्री, एक एंट्री तो ये आ गई, ठीक है, ये घर की मेन एंट्री रहेगी बेसिकली। अब मेन एंट्री के बाद ना मैं आपको एक और एंट्री दिखाती हूँ, ये एंट्री। तो यहाँ पे आप अपनी एक कर सकते हैं प्राइवेट मीटिंग बिल्कुल सेपरेट में, अगर आप तो चाहें। तो इधर आपकी विंडो आ गई, मैश विंडो आ गई, ग्लास विंडो भी होने की वजह से आपको वेंटिलेशन, प्रॉपर सनलाइट मिलती रहेगी आपके इस स्पेस के अंदर। अब हम चलते हैं थोड़ा सा और आगे, तो मिलता है हमें बहुत ही ह्यूज सा स्पेस, जो कि हमारा ड्रॉइंग डाइनिंग फैमिली लाउंज एरिया कहेंगे जिसको हम बेसिकली। इतना स्पेस, क्या कमाल का स्पेस है यार, 400 गज का साइज तो अपने में ही बहुत ही अच्छा साइज है, जिसमें हमें इतना खुला डुल्ला स्पेस मिल रहा है। ऊपर आप देखेंगे तो फॉल सीलिंग का वर्क है एलईडी लाइट्स के साथ। इस तरफ को आपकी आती है टीवी पैनल, ये देखिए। तो ये बेसिकली आपका टीवी पैनल आ गया है, क्या कमाल का टीवी पैनल है, वुडन का टीवी पैनल देखने को मिल रहा है प्रॉपर यहाँ पर। तो इतना स्पेस है कि आपका डाइनिंग एरिया प्लस फैमिली लाउंज एरिया बहुत आराम से बनेगा। अब डाइनिंग मैं आपको दिखा देती हूँ किधर होगा आपका डाइनिंग सेटअप, आप कर सकते हैं यहाँ पर 6-8-12 सीटर आराम से इंस्टॉल होगा। तो अभी बहुत ही स्पेशियस सा आपको आपका डाइनिंग एरिया मिल गया, जिसमें मैंने आपको बताया 12 सीटर और डाइनिंग टेबल आराम से आप यहाँ पे सेटअप कर सकते हैं। अब उसके बाद इधर देखेंगे तो आपकी किचन आती है, या आपकी फुली मॉड्यूलर किचन, काफ़ी स्पेशियस किचन है।
देख सकते हैं, काफी बढ़िया लग रही है। एक ना इसमें कमाल की बात ये है कि हर एक चीज को ना अपना अपना स्पेस दिया गया है। जैसे किचन में अगर मैं बात करूँ फ्रिज की, तो फ्रिज का अपना स्पेस इधर आ गया, उसको आपका माइक्रोवेव ओवन के लिए स्पेस आ गया। बात करूँ अगर कैबिनेट्स की, तो काफी सारे कैबिनेट्स हमें किचन के अंदर मिल रहे हैं। डबल सिंक हमें यहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे आप देखेंगे विंडो और साथ में मैश विंडो आ गया, जो कि जरूरी भी है। एक बाहर का व्यू भी बना रहेगा एंड साथ ही में आपको वेंटिलेशन प्लस सनलाइट भी मिलती रहेगी। तो ये तो काफी अच्छा किचन लगा है मुझे, चिमनी हॉप वाला स्पेस आ गया, कैबिनेट्स भी काफी सारे हैं। तो बढ़िया किचन तैयार की गई है, एक किचन जैसी होनी चाहिए वैसी किचन लग रही है प्रॉपर। अब यहाँ पे आप खुद भी नोटिस कर रहे होंगे ये, तो मैं चलिए खैर बाद में आराम से आपको दिखाऊंगी, बट स्टिल अभी के लिए बता देती हूँ आपको कि ग्लास अभी लगना बाकी है। आपने सोचिएगा कि ऐसे ही दे देंगे, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। आपकी सिक्योरिटी का, आपकी सेफ्टी का ख्याल किसने रखना है, ऑफकोर्स हमें ही रखना है। तो अभी यहाँ पे ग्लास वर्क होना बाकी है स्टेयर्स पे। बात करें अगर बेडरूम्स की, तो नीचे हमें ग्राउंड फ्लोर पे 3 बेडरूम्स देखने को मिलेंगे। तो ये हमारा फर्स्ट बेडरूम रहेगा। एक स्पेस की बात की जाए अगर बेडरूम की, कि हम क्या देखते हैं बेडरूम में, सबसे पहले स्पेस, कि यार हॉच पॉच नहीं होना चाहिए सबसे मेन। तो उस हिसाब से तैयार किया गया है साइज को बेडरूम के, एक आपका हॉच पॉच वाली फीलिंग आपको नहीं आने वाली है यहाँ पर। ये देखिए इतना अच्छा स्पेस आपको देखने को मिल रहा है। ऊपर आप देखेंगे तो आपकी फॉल सीलिंग आ जाती है, सामने को आपका टीवी के लिए स्पेस आ जाता है, आपका टीवी यहाँ पे आराम से इंस्टॉल होगा। उसके बाद इस तरफ को आप देखिए, ये आपका वॉक इन वार्डरोब एरिया रहेगा बेसिकली, ये आपका वार्डरोब स्पेस आ गया। अब वार्डरोब स्पेस के बाद इस तरफ को आपका अटैच्ड वॉशरूम है, ये आपका अटैच्ड वॉशरूम आ गया। जैकवाल की सारी सैनिटरी फिटिंग्स की गई हैं। इस तरफ को आपका आ गया शावर। और अब दिखाते हैं आपको आपका सेकंड बेडरूम, जो कि बिल्कुल साथ ही में है। ये आ गया आपका सेकंड बेडरूम। अगर मैं इस बेडरूम की बात करूँ, खासियत इसकी यही खासियत रहेगी कि इसके साथ एक्सेस मिल जाता है आपको आपके बैकयार्ड का। अच्छा स्पेस है, डिसेंट स्पेस है, ऊपर फॉसिल का वर्क भी आप देख चुके हैं। इस तरफ को आपका टीवी पैनल का स्पेस आ गया। टीवी पैनल के बाद इधर आपका वॉक इन वार्डरोब एरिया आ गया। ये देखिए, तो ये आपका वॉक इन वार्डरोब स्पेस रहेगा। इस तरफ को आपके ड्रेसिंग के लिए मिरर ऐड ऑन कर दिया गया है, कि वार्डरोब्स काफ़ी सारे हैं, दैट मीन्स हमें प्रॉब्लम नहीं होने वाली है किसकी, स्टोरेज की। अब ये है अटैच्ड वॉशरूम, ये आपका वैनिटी एरिया आ गया। वैनिटी एरिया के बाद शावर एरिया इस तरफ को दे दिया गया, एंड शावर एरिया में आप नोटिस करेंगे तो बिल्कुल डिफरेंट टाइल्स यूज की गई हैं। वाह, दिखाते हैं आपको बैकयार्ड एरिया, आ जाइए। ये देखिए, तो ये इतना स्पेस हमें बैकयार्ड में मिल रहा है। अभी आप क्योंकि घर देखिए अभी तैयार भी हो रहा था, बट उससे पहले हमने बोला हमें तो प्लीज वीडियो बनाने दो, क्योंकि हमें हमारे क्लाइंट हमारे व्यूअर्स को सब चीजें दिखानी होती हैं, चाहे वो सोल्ड आउट हो या फिर सोल्ड आउट ना हो। तो यहाँ पे आप देखिए ये इतना स्पेस है। इधर आप देखिए यहाँ पे टैप्स आ गए हैं, स्विच यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया गया है, सो दैट आपकी जो क्लोथ्स की वॉशिंग एरिया की या कुछ भी, आप इजीली यहाँ पे वॉशिंग कर पाए। इसलिए चलते हैं हम हमारे थर्ड बेडरूम की ओर, जो कि बिल्कुल ही ऑपोजिट है सेकेंड बेडरूम के। तो ये आपका आ गया है थर्ड बेडरूम। इसके भी साइज की बात करूँ तो आपका आराम से बेड आएगा और स्पेस काफी सारी बच जाएगी आगे और साइड्स में मूव करने के लिए। उस तरफ को टीवी पैनल के लिए स्पेस आ जाता है, टीवी आपका आराम से इंस्टॉल होगा, ऊपर फॉल्स सीलिंग का वर्क है। इधर आप देखेंगे तो ये वॉक इन वार्डरोब एरिया आपका आ गया, काफ़ी अच्छा सा वॉक इन वार्डरोब स्पेस है। एंड वॉक इन वार्डरोब के बाद इस तरफ को आपका आता है वैनिटी एरिया, एंड साथ ही में इस तरफ को आपका आता है शावर एरिया। और आप खुद ही देख रहे होंगे कि आपके थर्ड बेडरूम से भी आपको एक्सेस मिल रहा है आपके बैकयार्ड को। तो ग्राउंड फ्लोर देख चुके हैं, ग्राउंड फ्लोर पूरा आपको दिखा दिया है। बढ़ते हैं अब फाइनली फर्स्ट फ्लोर की ओर। फर्स्ट फ्लोर के लिए जाने के लिए मैं आपको बता ही चुकी हूँ एंट्री के बारे में। एक तो बाहर से है ही है, डुप्लेक्स हमारा घर है, एंट्री बाहर से भी दी गई है फर्स्ट फ्लोर पे जाने के लिए भी, एज वेल एज टॉप फ्लोर पे जाने के लिए। बट अभी हम यूज करेंगे हमारे इंटरनल स्टेयर्स, जो कि हमारे सामने ही है। आ जाइए फर्स्ट फ्लोर पे। तो यहाँ पे हमारे फर्स्ट फ्लोर पे भी अगर बात की जाए सबसे पहले आपके इस लॉबी एरिया की, तो ये आपका काफ़ी स्पेशियस सा लॉबी एरिया आता है। यहाँ पे आपकी एक बढ़िया सी, बहुत ही बढ़िया सी फैमिली लाउंज एरिया, सिटिंग एरिया बना सकते हो आप। तो ये आपका बढ़िया सा एक फैमिली लाउंज एरिया, ऊपर आपकी फॉल सीलिंग आ गई है। मैं दिखाती हूँ सबसे पहले इधर किचन। तो ये एक किचन का स्पेस ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर दिया गया है। ऑफकोर्स अगर आपकी फैमिली छोटी है, आप नीचे ग्राउंड फ्लोर पर रह लीजिए, आप इसको रेंट आउट भी कर सकते हैं इस फ्लोर को, बिकॉज इसकी जो एंट्री है, जैसे मैंने बाहर से आपको दिखाया भी था कि डुप्लेक्स तो ये घर है ही है, साथ में इसकी एंट्री ये देखिए, ये एंट्री आती है जो हमने नीचे से देखी ही थी, जो मैंने आपको दिखाई ही थी। मैं आपको दिखाती हूँ पहले
आपका बालकनी एरिया। क्या बढ़िया सी हवा चल रही है, ठंडी हवा है पर गर्मी बहुत है, पता नहीं क्यों। ये देखिए, तो ये आपका आ गया फ्रंट बालकनी। आसपास का व्यू आप देख सकते हैं, फुली डेवलप एरिया है। सामने आप देखेंगे उधर तो आपको पार्क भी देखने को मिलेगा, उधर पार्क आ गया। तो यहाँ पे तो आपको जगह जगह पे पार्क ही देखने को मिलेंगे सबसे ज़्यादा। ये खास बात गमाडा के सेक्टर्स की यही लगती है कि आपको पार्क ही पार्क नज़र आते हैं सबसे ज़्यादा। आइए वापस घर के अंदर चलते हैं एंड बाकी के बेडरूम्स देखते हैं। अब हमने देखने हैं कितने बेडरूम्स, अब हमने देखने 4 और बेडरूम्स। हम नीचे 3 बेडरूम्स देख के आ चुके हैं, दैट मीन्स हमारा ये 4th बेडरूम है। सो ये देखिए, ये 4th बेडरूम आ चुका है। काफ़ी अच्छा बेडरूम तैयार किया है यहाँ पर, फॉल सीलिंग का वर्क आ गया उस तरफ को, विंडो आ गई है, साथ ही में यहाँ पर ये है अटैच्ड वॉशरूम जो कि कॉमन वॉशरूम भी रहेगा। फैमिली लाउंज एरिया से एक्सेस है इस वॉशरूम का भी साथ ही में। तो और बालकनी का एक्सेस भी है आपके इस 4th बेडरूम से। तो ये देखिए, ये आपकी आ जाती है यहाँ से एंट्री। अब बढ़ते हैं सीधा अगले बेडरूम्स की ओर। तो हमारा 4th बेडरूम था, अब मैं दिखाती हूँ आपको 5th बेडरूम। 5th बेडरूम एक्चुअली हम देख नहीं पाएंगे क्योंकि उसमें ना थोड़ा बहुत सामान पड़ा हुआ है। तो इस ये है 5th बेडरूम बेसिकली। सामान है काफ़ी, हौच पौच है, समझ ही नहीं आएगा बेडरूम में, बट ये मैं बता सकती हूँ कि आपको स्पेशियस रूम मिल रहा है। ये आ गया अब 6th बेडरूम, भूल गई थी। तो ये 6th बेडरूम आ गया। ऊपर आप देखिए, आपकी फॉल सीलिंग आ गई है, इधर आपका टीवी आ जाएगा, ये आपका टीवी आ जाएगा। आपके इसी 6th बेडरूम से आपको एक्सेस मिल रहा है बैक बालकनी का, एंड उसके बाद इधर को पहले तो वॉक इन वार्डरोब स्पेस, एंड देन इस तरफ को आपका आ गया अटैच्ड वॉशरूम। एंड अब चलते हैं इस फ्लोर के आखिरी बेडरूम की ओर, जो कि हमारा 7th बेडरूम आ जाता है। ये हमारा 7th बेडरूम रहेगा। ये देखिए, स्पेस तो यार काफ़ी कमाल है, बाय गॉड, हर एक बेडरूम को अच्छा स्पेस दिया गया है। इसी बेडरूम से भी आपको दोबारा एक्सेस मिल रहा है आपके बैक बालकनी का। इधर आप देखेंगे तो आपका आता है वार्डरोब स्पेस, एंड देन आपका अटैच्ड वॉशरूम। अब चलते हैं सीधा हमारे टॉप पे, टेरेस पे, जहाँ पे आपको दिखाना है फॉर द सर्वेंट के लिए रूम एंड साथ ही में टेरेस एरिया। आ जाइए, ये देखिए, पहले तो काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस सा टेरेस एरिया है, एक यहाँ पे गजीबो एरिया कह सकते हैं हम, पार्टी एरिया कह सकते हैं हम, उसके लिए बनाया है, सेटअप किया गया है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। रूम की बात की जाए तो ये देखिए, इधर रूम आता है, लॉक्ड है बट दिखा नहीं पाएंगे, बट आप देख सकते हैं ये रूम है बेसिकली 1 BHK का। तो यहाँ पे आपके जो हाउस हेल्प रहेंगे वो इधर ही आएंगे, एंड इतना स्पेस है यार, क्या बात है। जैसा कि मैंने बोला था ना कि आपको सेक्टर में कमाल की बात ये होती है कि आपको पार्क्स पार्क्स नज़र आएंगे, उधर भी पार्क है, बैक साइड पे वहाँ पे भी पार्क है, तो हर जगह पार्क्स ही पार्क आपको देखने को मिलेंगे। तो ये घर तो था काफ़ी कमाल, स्पेस काफ़ी अच्छा लगा, साइज बहुत बड़ा है, एंड साथ ही में ऐसी अवेलेबिलिटी एंड ऐसा सेक्टर बहुत कम मिलते हैं। तो अगर कुछ भी जानना हो नीचे से लीजिए नंबर, एंड जल्दी से कॉन्टैक्ट कर लीजिए आपके अपने हैरी दत्त एंड टीम। टिल देन प्लीज़ अपना ध्यान रखिएगा, सो दैट हम सभी मिलते रहे अगली वीडियो में। नमस्कार, शुक्रिया।